और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का विकास तेजी से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कभी संकरी सड़कों पर चलना मुश्किल था, लेकिन अब चौड़ी सड़कें काशी की नई पहचान बन रही हैं। जिन घाटों पर गंदगी रहा करती थी, अब वो चमक रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने की राह सुगम हुई है। काशी में हुए बदलाव का असर पर्यटन पे भी हुआ है और साल 2023 में पूर्वांचल का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाराणसी बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। काशी में क्योटो की चमक, मोदी का सपना, योगी का संकल्प, पर्यटन स्थलों का कायाकल्प। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा तो योगी आदित्यनाथ ने हकीकत में बदल दिया। यकीन ना हो तो काशी चले जाइए। काशी में योगी सरकार के विकास की झलक इतनी है कि रात के अंधेरे में भी विकास की चमक दिखती है। यही वजह है कि पर्यटकों की पहली पसंद वाराणसी बना है। साल 2023 में पूर्वांचल का टॉप धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाराणसी बन गया है। योगी सरकार ने काशी के कलेवर को बदलकर उसे विश्व में नई पहचान दिलाई है, जिसका फायदा वाराणसी समेत आसपास के अन्य जिलों को भी मिल रहा है। वाराणसी में आने वाले पर्यटक पड़ोसी जिलों के आध्यात्मिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को भी पसंद कर रहे हैं। वाराणसी टॉप रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना। दूसरे नंबर पर मिर्जापुर का विंध्यांचल रहा। तीसरे पायदान पर मिर्जापुर का ही अष्टभुजा मंदिर रहा है। भदोही का संत रविदास नगर चौथे नंबर पर है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा सोनभद्र पांचवें स्थान पर रहा। पर्यटन आए यहाँ, ये तो सत्य कथन है और इसी तरह बढ़ते भी रहेंगे। लोगों को आस्था जो है, हिंदुत्व आस्था मंदिर पे और जगह जागरूकता आई है। हमेशा यहाँ पर्यटन स्थल अच्छा रहा है। काशी हमेशा लोग आए हैं, हमेशा भीड़ आया है। काशी यहाँ पे बाबा विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में श्रेष्ठ माने गए हैं, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते हैं और हमें पूरे विश्व से बाबा के दर्शन के लिए लोग आते हैं। जो काशी को प्रथम स्थान विश्व स्तर पर धार्मिक नगरी के रूप में दिया जाता है। बाबा विश्वनाथ का जब कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो उसके बाद काशी की भव्यता में और ही चार चांद लग गया, जिसकी वजह से पर्यटकों का और भी आने का यहाँ पे मन होता गया, वो इच्छाएं बढ़ती गई और वो दिन प्रतिदिन संख्याएं बढ़ती गई, जिसकी वजह से आप पिछले साल जो 8 करोड़ की बात कर रहे हैं उसके लगभग में जो यात्री आए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, वो यहाँ आके सारी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए दर्शन करते हुए। ऐसा है कि यह सरकार जो है टूरिज्म को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कई ऐसे जिले हैं जिसको जो है बहुत ही विकसित कर रही है। जैसे अयोध्या ले लीजिए, आपका गोरखपुर ले लीजिए, या फिर आपके बगल में जो है गाजीपुर पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है, या फिर मिर्जापुर पड़ता है। मिर्जापुर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पे है, वहाँ विंध्यवासिनी का दरबार है और अष्टभुजी दरबार भी बगल में है और ये भी पर्यटक स्थल में आता है। आपके बगल में बहुत ही अच्छा जो है काशी विश्वनाथ, तो बाबा विश्वनाथ है ही है, विश्व के नाथ है, वहाँ तो आना लाजमी बात है। बट यहाँ से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर शहर के जो है गाजीपुर वाले रोड पर सूर्योदय मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, या फिर नमो घाट ले लीजिए जिसपे हेलीपैड वगैरह सब है, वह आकर्षण का केंद्र रहा है। काशी का जो प्रारूप 2014 के बाद से बदलना शुरू हुआ उसमें अद्भुत परिवर्तन हुआ। काशी में यहाँ के व्यवस्था के लिए, पर्यटन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिंग रोड का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण वगैरह इतना सुचारू रूप से सरकार द्वारा किया गया और मोदी जी के निर्देश पे किया गया कि जिससे कि जितने भी पर्यटक थे वो काशी की तरफ अत्यधिक रूप से, बाबा विश्वनाथ तो यहाँ पहले से विराजमान थे, तो बाबा विश्वनाथ से प्रेम रखने वाले जितने श्रद्धालु थे वह अपने मित्रों, परिवार और सभी गणों के साथ यहाँ आने लगे।
उनको चूँकि दर्शन की, रहने की एक व्यवस्थित सुविधा मिली, आने जाने के लिए अच्छी सड़कें मिली, ये बहुत ही प्रभावशाली रहा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने बनारस और उसके आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी को न सिर्फ बेहतर किया बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास की कई परियोजनाओं पर भी काम किया जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और पर्यटक कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। वाराणसी 8,54,73,633, विंध्याचल 72,97,800, अष्टभुजा 42,35,770, सीतामढ़ी 25,41,080, सोनभद्र 22,26,310। वाराणसी में हुए विकास और बेहतर कनेक्टिविटी ने पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। वाराणसी के आसपास 100 से 200 किलोमीटर की यात्रा पर्यटकों के लिए काफी आसान हो गई है जिसका परिणाम आप पर्यटकों के आंकड़ों में देख चुके हैं। बात चाहे अपराध पर लगाम की हो या विकास के रफ्तार की, योगी दोनों ही सांचे में फिट बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।